साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देती है और उनकी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड वाले अपनी फिल्म बनाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। तो ऐसे में महेश बाबू के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं और वो ये है कि महेश बाबू का वैक्स स्टैचू बन चुका है। जी हाँ, सिंगापुर स्थित मैडम तुसाद संग्रहालय में अभिनेता महेश बाबू की एंट्री हो गई है। उनकी मॉम की प्रतिमा का सोमवार को यहाँ AAMB सिनेमाज में अनावरण किया गया, जिसके बाद सिंगापुर स्थित संग्रहालय में भेजा जाएगा और देखने में ये वैक्स स्टैचू हूबहू महेश बाबू की तरह ही है। प्रभास के बाद महेश दूसरे तेलुगु अभिनेता है जिनकी मॉम की प्रतिमा बनाई गई है। एक बयान के अनुसार प्रतिमा को AAMB सिनेमाज में एक दिन के लिए प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा और इसके बाद मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थापित करने के लिए सिंगापुर भेजा जाएगा। स्कैनिंग और अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से चुने गए चुनिंदा प्रशंसकों को महेश की मॉम की प्रतिमा के साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। फिल्म की बात करें तो महेश अपनी आगामी फिल्म तेलुगु फिल्म महर्षि की शूटिंग में बिजी है। इस वीडियो में इतना ही। मैं योगिता शर्मा, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।